म्यांमार के राज्य रखाइन में नरसंहार के बाद लाखों लोगों ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में पलायन कर रहे हैं। हालांकि उनकी स्थिति यहां कुछ अच्छी नहीं है। कॉक्स बाजार और तकनाफ सीमा के पास रोहिंग्याई नागरिकों के लिए आश्रय दिया गया है, मगर यहां खाने पीने की चीजें, दवाएं और अन्य जरूरी चीजों की बेहद कमी है। यूएन के शरणार्थी एजेंसी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार की राज्य की रखाइन के पीड़ित क्षेत्र में पलायन करने के अब तक 4 लाख शरणार्थी बांग्लादेश आए हैं, लेकिन उनके पास आश्रय लेने के लिए ठीक भर कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि 3.5 लाख शरणार्थी खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। वह डायरिया जैसी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें पीने का पानी, जरूरी सामान, दवाओं की दरकार है। बांग्लादेश सरकार ने मानव अधिकार के बुनियाद पर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं और उन्होंने रोहिंग्या नागरिकों की पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि रोहिंग्या कॉक्स बाजार जिले से बाहर ना जाएं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना न्यूयॉर्क में यूएन के 72वें सत्र में शामिल हुई है, जहां वह यूएन के रोहिंग्या संकट के मुद्दे को उठाने की योजना बना रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।